दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जनवरी मास का राशिफल सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा जनवरी मास 2020 का ये राशिफल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो राशिफल में क्या है खास और क्या करें आप जिससे महीना शानदार हो, जो दिक्कतें पिछले महीने में आईं वो इस महीने में ना आएँ, उन दिक्कतों से आप छुटकारा पाएँ, समस्या से समाधान हो जाए, ऐसी दिक्कतें और ऐसा गोचर का क्या मानना है ये भी देखेंगे, उसके बाद में बताएंगे आप क्या करें क्या ना करें और ये महीना आपके लिए शानदार कैसे करें, जान लेते हैं। उससे पहले आपकी राशि से, ये आपका जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र राशि होनी चाहिए आपको, तब यहाँ राशिफल में अधिक सटीकता आपको प्राप्त होगी। और अगर चंद्र राशि पता नहीं है तो अपने नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ग्रहों का गोचर क्या कहता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। 14 दिसंबर 2019 को गुरु अस्त हो गए थे, अब उदित हो जाएंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी को उदित हो जाएंगे गुरु और वही इस महीने में 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यार कि मकर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो मकर संक्रांति भी आपकी पड़ रही है 15 जनवरी को। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 8 जनवरी को। ये था ग्रहों का परिवर्तन। अब जान लेते हैं इनका फल क्या कहता है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य बेहद खास रहने वाला है और वही आपके लिए बेहद शानदार है। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं आप पर पड़ रही है, तो आप जहाँ चमक धमक की चीज़ों में अपना रुझान बढ़ाएंगे और खर्च भी इत्यादि करेंगे अपने, कोई स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत नहीं है। शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए एक बेहद बड़ी जो समस्या आएगी, क्या नहीं करना है आपको यही बता देते हैं आपको, आलस नहीं करना है। आलस में आप बहुत ज़्यादा डूबेंगे इस महीने, विद्यार्थियों को आलस आएगा, विद्यार्थियों को नहीं पूरे जो भी लोग हैं राशि सिंह राशि के उन्हें सबको ही आलस आएगा, लेकिन खासकर विद्यार्थियों को आएगा। अगर विद्यार्थी आलस को त्याग देंगे तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, यानी कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस त्याग दीजिए और करियर की ओर ध्यान दीजिए, निश्चित ही सफलता पाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। दाम्पत्य में मधुरता आएगी और लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, लव पार्टनर नाराज हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इतनी नहीं है। और क्या करें आप जिससे शानदार हो जाए, ये आपको करना क्या है, गुरु बृहस्पति का जप करना है। मंत्र आपको आता होगा तो उससे आप जप करें, वैदिक लौकिक इत्यादि कोई भी, या श्री सूक्त का जप करें, पाठ करें, ये बेहद आपके लिए शानदार है। नौकरी व्यापार के लिए सामान्य रहने वाला है मास, कोई अधिक बदलाव देखने में नहीं आएगा, आय के मध्यम सामान्य ही रहेगा और आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ भाग्य से लेकर के संतान के प्रति आपका ध्यान आकर्षित अधिक होगा, संतान के लिए चिंतित भी हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये राशिफल पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हमारे सदस्य बनिए इस चैनल के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।